इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 19 नवंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। फौलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर संभाली और वो देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। देश दुनिया के इतिहास में 19 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1824 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में बाढ़ से 10,000 लोगों की जान चली गई थी। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आज ही के दिन 1828 में हुआ था। प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक तथा ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का जन्म आज ही के दिन 1838 में हुआ था। जाने माने पुरातत्वविद रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर का जन्म आज ही के दिन 1875 में हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय का जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। आज ही के दिन 1933 में यूरोपीय देश स्पेन में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जीनत अमान का जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ था। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। 1977 में आज ही के दिन मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल का ऐतिहासिक दौरा किया था। ये किसी अरब नेता का पहला इजराइल दौरा था। इस दौरान उन्होंने शांति स्थापना का प्रस्ताव पेश किया था। प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का निधन आज ही के दिन 1980 में हुआ था। आज ही के दिन 1982 में दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। लंबे अरसे के बाद देश में विशाल पैमाने पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। 1985 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोरबाचेव के बीच पहली मुलाकात हुई थी। आज ही के दिन 1995 में भारत की करणम मल्लेश्वरी ने भारत तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया था। 1997 में आज ही के दिन कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 2000 में पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मां नुसरल भुट्टो को 2 वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई थी। 2007 में आज ही के दिन अमेजन ने किताब पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किंडल की बिक्री शुरू की थी। आज ही के दिन 2008 में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अल बरदेई को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।